अज्ञात बदमाशों ने कोलकाता के सरकारी आरजी कार होम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में घुसकर उसके कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की। इस अस्पताल में पिछले सप्ताह महिला चिकित्सक का शव मिला था। कलकत्ता हाईकोर्ट में शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कार होम मेडिकल एवं अस्पताल में परिसर में हुई तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई हुई। ये घटना 14 अगस्त की रात को पटी। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने इस मामले को इसलिए सूचीबद्ध किया क्योंकि उस अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के संबंध ईमेल प्राप्त हुआ है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने तोड़फोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की और इस राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता बताया। स्थिति की ठीक से न संभाल पाने और राज्य सरकार को फटकार लगाने हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप किसी भी कारण से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर देते हैं। जब इतना हंगामा हो रहा था तो आपको इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी। उन्हें ये भी कहा कि 7000 लोग वॉक के लिए नहीं आ सकते। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने आरजी कार होम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए लोगों को शहर की एक अदालत ने 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने कोलकाता के सरकारी आरजी कार होम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर में घुसकर उसके कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की। इसी अस्पताल में पिछले सप्ताह महिला चिकित्सक का शव मिला था। अस्पताल में चिकित्सक के शव कथित बलात्कार और उसकी हत्या किए जाने की घटना के विरोध में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच आधी रात को ये तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग घायल भी हो गए। परासनात्मक प्रशिक्षु के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना के विरोध में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी हुई। प्रदर्शन कर रहे चिकित्सक दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने और कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। विपक्षी दलों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जब सरकारी आरजी कर मेडिकल एवं कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसा हुई तो पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम को कहा कि अस्पताल के आपातकालीन वार्ड को 3 मंजिलों में तोड़फोड़ की गई, दवाइयां लूट ली गई और बुनियादी ढांचे तथा उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।